मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री की लेक्चर की कड़ी में आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक का आ सकता है। 5 नंबर का न्यूमेरिकल और 2 नंबर के अंदर परिभाषा यानी डेफिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं जिसे। तो सबसे पहले ले लेते हैं है क्या चीज़ ये। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे हम सूत्र पढ़ते थे 9वीं या 10वीं क्लास के अंदर, तो उसी तरह सूत्र को इंग्लिश में फार्मूला कहते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो एटम्स यानी परमाणुओं का जो रेशो है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, जिस तरीके से हम लेते थे H2O, H2O के अंदर रेशो क्या होता था बच्चों, हाइड्रोजन 2 रेशो में था और ऑक्सीजन 1 रेशो में था। तो इसी तरीके से 2:1, तो ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला भी है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। कि क्योंकि होल नंबर रेशो, एक पॉइंट नोट करें, होल नंबर मतलब कि पूरी पूरी संख्या पॉइंटों में ना हो, तो उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बोला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम आज तक 10वीं तक पढ़ते आए हैं, ये जो एक्चुअल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का, यौगिक का, उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। जैसे H2O है, वाटर का फार्मूला है, पानी का फार्मूला है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यही हमारा एक्चुअल फार्मूला भी है और एम्पिरिकल भी है। एम्पिरिकल क्यों है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर है, मतलब कि सबसे कम से कम सिंपलेस्ट रेशो के अंदर मौजूद है और होल नंबर भी है, यानी पूरी पूरी संख्या है, पॉइंटों में रेशो नहीं है। और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जाम में पूछी जाती है, एक एग्जाम डेफिनेशन पूछी जाती है और क्या पूछा जाता है इसके बीच में रिलेशन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर में n का मतलब है इंटीजर, ये संख्या हो सकती है, n का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो सकता है, गुणा में एम्पिरिकल फार्मूला, जिसका उदाहरण मैंने ऊपर ही दे रखा है। जैसे बेंजीन है, हम 10वीं क्लास में बेंजीन का सूत्र पूछा जाता था C6H6, तो C6H6 तो इसका है बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि बेंजीन C6H6 के रूप में नेचर में मौजूद होती है। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, मतलब कि इसका सबसे छोटा रेशो ले लो, छोटा रेशो कैसे निकलेगा, दोनों को तरफ 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा C1H1, 6 से 6 कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया एम्पिरिकल फार्मूला, इसका क्या है CH। तो ये हमारे बीच में दोनों के अंदर रिलेशनशिप है। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला यानी CH को 6 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा C6H6। तो ये हमारा कंसेप्ट है जो कि 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही इसका मोलिकुलर मास है, जिस तरह फॉर्मूले को 6 से गुणा करना पड़ रहा है, इसी तरीके से हमें जो अगर हम मास निकालेंगे यानी भार लेंगे, ठीक है, भार नहीं द्रव्यमान लेंगे, हिंदी में द्रव्यमान शुद्ध भाषा में कहेंगे, तो वो हमारा मोलिकुलर मास बराबर में एन गुणा में एम्पिरिकल मास। तो इसको आइए एक न्यूमेरिकल के जरिए हम देखते हैं, जो कि न्यूमेरिकल अक्सर 5 नंबर या 3 नंबर में आ जाता है। ये बच्चों न्यूमेरिकल है हमारे पास में, ये न्यूमेरिकल की ऊपर डेफिनेशन दे रखी है, एक कंपाउंड कंटेन मैंने होता है, ये स्टेटमेंट दे रखी है 92.4% कार्बन है, यानी 92.4% कार्बन है इसके अंदर, और हाइड्रोजन की संख्या स्क्रीन पे थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रही है, ये 7.6% हाइड्रोजन है यानी H है, कार्बन को C से और हाइड्रोजन को H से। मॉलिक्यूलर मास इसका 78 दे रखा है यानी 78 दे रखा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, इस फार्मूले के, इस सवाल के अंदर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करना है। तो ये करेंगे कैसे ज्ञात बच्चों, ये मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ठीक कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये टेबल बनानी पड़ेगी बच्चों, पहले हम क्या लिखेंगे टेबल के अंदर, ये टेबल बनाई है हमने, सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट के अंदर पहला एलिमेंट तो हमारा कार्बन है और दूसरा क्या हाइड्रोजन, दो दे दिया गया, फिर हमने उसके बाद परसेंटेज लिख देंगे, परसेंटेज भी हमें सवाल में दी गई है 92.4 अभी ऊपर पढ़ी थी हमने, और 7.6 ये भी हमें पता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। एटॉमिक मास यानी उसका भार कितना है एटम का, तो कार्बन का भार हमें पता है 12 होता है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है। अब अगला स्टेप क्या है, मोल निकालना। मोल निकालने के लिए बड़ा ही आसान है, दिया गया भार बटा में एटॉमिक मास, दिया गया भार कितना है 92.4, ये दिया गया भार है, बटा में एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमारा 12 है, दोनों को डिवाइड कर दो, ये हमारे मोल आ गए, ये हमारे क्या आ गए मोल। अब इसी तरह हाइड्रोजन का दिया गया भार 7.6 है और एटॉमिक मास कितना 1 है, 7.6 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया 7.6। अब अगला स्टेप क्या है,
हमें सिंपलेस्ट रेशो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशो में क्या करना होता है बच्चों कि इन दोनों, ये दो जो संख्याएं आई हैं 7.7 और 7.6 लगभग बराबर है, इनमें से जो छोटी होगी उसको दोनों से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे दोनों बराबर है तो दोनों का रेशो क्या हो गया, जिस तरह हमें 7:7 क्या होता है 1:1, इसी तरह 7.7:7.6 लगभग क्या आएगा 1:1, यानी हमारा सिंपलेस्ट रेशो क्या बन गया 1 और इधर भी 1। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया C1H1, जिसको सिंपल भाषा में हम CHB कह सकते हैं। अब हमें निकालना है मोलिकुलर फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला के लिए हम भार का इस्तेमाल करेंगे। भार का इस्तेमाल कैसे करेंगे बच्चों, हमें पता है अभी हमने पढ़ा है कि मोलिकुलर मास बराबर में होता है एन गुणा में एम्पिरिकल मास, मतलब कि मोलिकुलर फार्मूले का जो भार है उसको अगर प्राप्त करना है तो एन से गुणा करना पड़ेगा एम्पिरिकल मास को। तो मोलिकुलर मास तो हमें पेपर में सवाल में दिया गया है, वो कितना है 78, 78 बराबर में एन, एन इंटीजर है, इंटीजर ही हमें ज्ञात करना है। तो एम्पिरिकल मास क्या है, कार्बन का मास हमें पता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ये देखो 12 प्लस मैंने 1 कर लिया, 12 जमा 1 कितना होता है 13। अब 13 को 78 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। अब 6 आ गई तो मोलिकुलर फार्मूला निकालना हमारे लिए आसान हो गया, इंटीजर की वैल्यू पता लगी एन 6 आ गया, 6 गुणा में एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने ऊपर ज्ञात कर ही लिया सी एच है जो कि, तो 6 गुणा में सी एच तो क्या हो जाएगा, ये 6 गुणा में नहीं आएगा, इसके बटा में पैर में चला जाएगा, ठीक है, तो C6H6 बन जाएगा, ये हमारा मोलिकुलर फार्मूला आ गया। तो बच्चों ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, तो ये स्टेप है, सबसे पहले एलिमेंट लिखना है, फिर परसेंटेज लिखनी है, फिर एटॉमिक मास लिखना है, ठीक है, और मोल निकालने दिया गया 12 बटा में हमारा एटॉमिक मास, फिर उसका सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेना है ना आसान, फिर उसके बाद एम्पिरिकल रेशो और मोलिकुलर मास हमारे पेपर में दिया ही होगा, ठीक है, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू से एम्पिरिकल फार्मूला का गुणा कर देंगे, और गुणा करते हैं हमारी क्या आ जाएगा मोलिकुलर फार्मूला, और 5 नंबर बन गए बच्चों। तो 5 नंबर का सवाल देख लो आप केमिस्ट्री के अंदर, इसमें कोई ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं है, ज़्यादा कोई परिभाषा भी नहीं है, सिंपल सिंपल सी लाइनें से आपको समझा दिया गया है, या तो वो 2 नंबर की रिलेशन आएगी या 5 नंबर का ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, रकम चेंज हो जाएगी, परसेंटेज चेंज हो जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हैव ए नाइस डे, ओके, अपना आराम से इसको स्टडी करो, समझने की कोशिश करो, चाहे एक न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो आप चाहे 100 न्यूमेरिकल निकाल सकते हो इससे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।